मैं बिहार के रहने वाला हूँ, मैं हूँ डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, बिहार के खाने के प्रमोट करने वाले। क्या क्या आइटम यहाँ स्टॉल में आपने? बिहार के सबसे फेमस आइटम लिट्टी चोखा लेके आया हूँ, रोस्टेड होती है, ऑयल फ्री, हेल्दी, टेस्टी। आलू बैगन टमाटर की चोखा के साथ खाई जाती है। जो फर्स्ट लेयर है गेहूं के आटा है, दूध में सानी जाती है, ये फैट मेंटेन करती है दूध की। सेकंड में गेहूं के आटा, वो कार्बोहाइड्रेट मेंटेन करती है बॉडी को। इसके अलावा और क्या है आपके स्टॉल में? इसके अलावा सत्तू की कचौड़ी है, हींग की कचौड़ी है, स्वीट डिश ऑफ बिहार, बिहार का गौतम बुद्ध की प्लेस है बोध गया, वहीं के मिठाई है, सारे धार्मिक प्लेस की मिठाई है। सिलाव का खाजा है, बिहार का स्पेशल खाजा, खोए के चंद्रकला, टाइप ऑफ गुजिया, ये सारे बिहार के स्वीट डिश है। कैसे लुधियाना वासियों को कैसे आपको सहयोग मिल रहा है? ये मुझे लग ही नहीं रहा है कि पंजाब में आया हूँ, मुझे लग रहा है कि बिहार में हूँ बाबू जी। खाने की शौकीन है पंजाबी हो, ये रेट चुका के गर्दा उड़ा दिए। रेट वगैरह कैसे आपके जो है स्टॉल के रेट? मेरे रेट मेरे प्रेफरेंस मिले हैं गवर्नमेंट यहाँ के। आपके जो जो रेट हैं जी, कैसे हैं? कस्टमर को क्या रेट लगा रहे हो इसके कचौरी के? जब कुछ कचौरी की जो नॉर्मल रेट है वही ले रहा हूँ। 60 की प्लेट लिट्टी चोखा, 60 की कचौरी, स्वीट डिश 50 की 2 पीस, केसरिया रसमलाई 40 की 2 पीस। क्या कहना चाहोगे पंजाब वासियों को? मैं भी स्वागत करता हूँ, खाने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा प्यार, पूरे सारे जहाँ से अच्छा प्यार मिला पंजाब। जलेबी ने लगाई है बिहार वाले ने, किस तरह तुम लगी है? बहुत स्वादिष्ट जलेबी है जी, देसी की होगी, बहुत बढ़िया, सेहत भी चंगी है। होर तो इतने मेला देखने आयो, की खासियत लगे ने मेले? मेले वधिया, सारिया स्टेट की सानू कल्चर झूले झूलते, पुराने जमाने झूले झूलते। तुम चाहते हो कि पंजाब के इदा के मेले लगते रहने, के सारी जात पात के बंदे इतने आते रहने लगे रहने चाहिए, यह मेले चलते।